मैनपुरी के बेबर थाना क्षेत्र के ग्राम नगला गनी के रजवा पटरी के पास युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गांव के लोग सुबह जब शौच के लिए गए तो उन्होंने देखा कि कोई मृत अवस्था में पड़ा है। गांव वालों ने फौरन ही पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। मृतक युवक मुंह के बल जमीन पर गिरा पड़ा था। बताया जाता है कि मृतक युवक इंद्रपाल सिंह पुत्र शमशेर सिंह उम्र 38 वर्ष जो कि सिलाई का काम करता था। बुधवार की सुबह 10 बजे बेवर आया था। देर शाम 9 बजे घर न पहुंचने से घर वालों ने इंद्रपाल को फोन लगाया तो फोन न उठा। इसे घर वाले परेशान उठे। गांव के लोगों ने बताया कि 15 दिन पहले इंद्रपाल जयपुर से अपने गांव फतेहपुर गनी आया था। ये साइकिल खड़ी थी, साइकिल को योला बोला, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और ये इस तरह से मुंह के बल पड़े, मुंह के बल, नाक के बल, तो नाक दबी हुई थी। तो एक लड़के ने ये कहा, इन्हें हमने पहले कही हमने सीधो करो, देखा कहूँ चूट टूट हुई तो कहूँ जाके रुका हुआ ना करो, पुलिस आई हमने तो हमने नहीं करो पहले देखा। तो ये जो खून है उनके चेहरे से दबा, कुछ नहीं था और साइकिल खड़ी थी, साइकिल खड़ी थी पीछे। अभी सुबह करीब 9 बजे सूचना आई कि एक व्यक्ति देवर थाना में एक बम्बा पड़ता है, उसी के किनारे मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर मैं प्रभारी निरीक्षक एसएसआई तथा फील्ड यूनिट यहां पे पहुंच गए। तो पहुंचने पे प्रथम दृष्टया देखा गया कि जैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ गड्ढा, साइकिल भी साथ में मिली है, साइकिल उसमें फंस गई है, उसके बाद मुँह के बगल गिरे हुए पाए गए, मुँह से उनके ब्लड निकला हुआ है, शरीर पे कहीं प्रथम दृष्टया चोटें नहीं दिख रही। घटने के लिए कैसे इनकी मृत्यु हुई उनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और आगे जैसे रिजल्ट आता है उस हिसाब से कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।